अगली खबर आ रही है रीवा जिले से, जहां शासन की योजनाओं का किस प्रकार से दुरुपयोग होता है यह तो आए दिन देखने को मिलता है। जो वास्तविक हितग्राही हैं उसे सुविधाओं का लाभ नहीं मिलता, बल्कि नौकरी राजनीतिक संरक्षण प्राप्त लोग इनका हक छीन रहे हैं। ताजा मामला गगेव ब्लॉक के डिहिया ग्राम पंचायत का है, जहां पंचायत के अकौरी निवासी राजकुमार द्विवेदी, जो वर्तमान में पीएचई विभाग रीवा में मैकेनिकल खंड में इलेक्ट्रीशियन के पद पर पदस्थ हैं और संजय नगर में घर बना रखा है, जिनके द्वारा अपने भतीजे संजय द्विवेदी का जहां घर गिरा दिया गया, वहीं खुद शासकीय कर्मचारी होने के साथ साथ शहर और गाँव में शासकीय सुविधाएं ले रहे हैं, यह आरोप संजय द्विवेदी ने लगाए हैं। पीड़ित ने बताया कि शहर और गांव दोनों जगह समग्र आईडी वोटर आईडी बनवा कर जहां दुरुपयोग कर रहे हैं, वहीं अपनी बहू बेटे के नाम से गरीबी रेखा में मिलने वाली योजनाओं का भी लाभ ले रहे हैं, खुद लाखों रुपए महीनों कमा रहे हैं। इतना ही नहीं, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि कई जगह शिकायत की लेकिन पैसे का लेन देन कर उनकी शिकायतों को दबा दिया जाता है। अब सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत दर्ज कराई है। आइए आपको सुनाते हैं शिकायतकर्ता संजय द्विवेदी को, जिन्होंने पूरे मामले को लेकर शिकायत की है। पंचायत में किस तरह का भ्रष्टाचार हुआ है? एक्चुअली मेरे साथ पंचायत ही बस में नहीं, कई विभागों में भ्रष्टाचार किया गया और मूलतः मेरे गांव में भ्रष्टाचार किया गया। मेरा गांव ग्राम पंचायत अकौरी ग्राम डिहिया है, जनपद पंचायत मेरा गगेव लगता है और तहसील मेरी लगती है सिरमौर, जिला रीवा मध्य प्रदेश है ही है, जिसमें मेरे पिताजी का स्वर्गवास पिछले वर्ष 6/6/21 को हो गया। उसके पश्चात मेरे बगल में रहने वाले मेरे दूर के चाचा जी राजकुमार द्विवेदी जी, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश शासन के लोक निर्माण विभाग पीएचई जिसको अपन कहते हैं, उसके मैकेनिकल खंड में इलेक्ट्रीशियन के पद पे कार्यरत हैं, उनके द्वारा मेरा घर गिरा दिया गया, मेरे बगैर परमिशन लिए, मेरे घर की आर्थिक हानि की गई। ठीक है, इसके अलावा उनने क्या किया, अपने बच्चों के नाम पे, अपने पुत्र वधुओं के नाम पे शासन की कई योजनाओं का दुरुपयोग किया, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना खुद अपने बच्चे के नाम पे ली, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना खुद अपने नाम पे ली, खुद सरकारी कर्मचारी हैं पर खुद के नाम पे ले रहे हैं। सोचिए कितना बड़ा भ्रष्टाचार है, देश का लोकतंत्र सोच रहा है, सो रहा है, यहाँ तक कि अपने बहुओं के नाम पे मजदूर कार्ड, नरेगा जाप कार्ड, पता नहीं क्या क्या बनवा रखा है। ठीक है, और वहाँ से पूरी सुविधाएं ले रहे हैं। इसके अलावा इनका घर एक संजय नगर में भी बना है, खुद इनने बना रखा है संजय नगर में, जो इनने घर बनवा रखा है, यहाँ का भी समग्र आईडी और रीवा का भी समग्र आईडी दोनों सेम है। सोचिए कितनी शर्म की बात है, रीवा में भी वोटर आईडी कार्ड एक है और गाँव में भी वोटर आईडी कार्ड एक है, हर जगह दोनों जगह एक जैसा सिस्टम चल रहा है और इसको रोकने के लिए कोई नहीं है। मैं माननी जिला पंचायत स्वप्निल बानखेड़ी जी के पास जी गया, जनपद अध्यक्ष जी, जनपद पंचायत सदस्य जी के पास गया, जनपद अध्यक्ष जी के पास गया, तहसीलदार जी के पास गया, एसडीएम जी के पास गया, यहाँ तक कि अंत में मैंने सीएम हेल्पलाइन में भी की शिकायतें, पुलिस भी गई, सब पैसे में बिके हुए हैं, कहीं कुछ नहीं होने हवाने वाला। अब मेरे को ये प्रशासन समझ में नहीं आता है कि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते क्या हैं, हम युवाओं को क्या ऐसे ही रखना चाहते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, या तो आप ये सिद्ध कर दीजिए कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, हम उसको भी स्वीकार करते हैं।